हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर आई हूँ, तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए पेटीकोट यानी कि छह कली की पेटीकोट की वीडियो बताऊंगी कि इसे कैसे बनाना है, काटना और कैसे सिलना है। बहुत ही इजी तरीका मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, बहुत ही जल्दी आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी जो कटिंग है वो मैं पेपर पर बता देती हूँ, जिसे आप इजीली समझ सकते हैं। ये मैंने एक पेपर लिया हुआ है और उसे हम फोर फोल्ड कर लेंगे, जैसे कि इसी तरीके का जो कपड़ा होता है उसे भी हम इसी तरीके से फोर फोल्ड कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने पेपर को फोर फोल्ड कर लिया है और इसी तरीके से हम जो कपड़ा है उसे भी हम उसी तरीके से सेम फोर फोल्ड करेंगे। और अब जो फोल्डिंग साइड है वहाँ पे उसे रख लेंगे अपने सामने, और वहाँ पे 3 इंच लंबाई हम 3 इंच लेंगे। अभी मैं आपको ऐसे ही मार्क करके दिखा रही हूँ। कपड़े पे आप 3 इंच की लंबाई लेंगे और यहाँ पे चौड़ाई 17 इंच करेंगे और उसे हम काट लेंगे। ये हमारा कमर की बेल्ट के लिए है, इसे मैं काट देती हूँ। ये देखिए, और इसे साइड में रख लेंगे। और अब हम यहाँ जो किनारे का एरिया है वहां से हम 1.5 इंच निकालेंगे और उसे हम डोरी के लिए रख देंगे साइड में। ये कपड़े पे हम नापेंगे, ये मैं पेपर पे आपको ऐसे ही कर करके बता रही हूँ ताकि आप समझ लें। अब हमारे पास जो कपड़ा बच गया है उसमें हम कटिंग करेंगे। तो अब हमारे पास जो कपड़ा बचा हुआ है उसकी लंबाई ध्यान रहे 36 इंच होनी चाहिए। तो इसलिए अब हम यहाँ पे जो फोल्डिंग एरिया है वहाँ पे हम 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। वो कमर के अनुसार बदलता और घटता रहता है, छोटा बड़ा होता रहता है। और नीचे हमारा जो हमने किया वो 7 इंच पे करेंगे। ध्यान रहे, वो जो नीचे किया है 7 इंच पे वो स्थिर रहेगा, वो घटेगा बढ़ेगा नहीं। लेकिन जो 3.5 इंच वाला किया है, सबसे ऊपर वाला जो कटिंग किया है, वो घटता बढ़ता रहेगा, यानी कि कमर के अनुसार वो छोटा बड़ा होता रहेगा। तो अब हम इसे कट कर लेंगे इसी तरीके से जो हमने मार्किंग की है उस पर। ये देखिए, और आप देख सकते हैं ये अब बीच से जुड़ा हुआ है, इसे हम यहां से कट कर लेंगे। ये देखिए, और यहां जो बीच में है इसे भी हम काट लेते हैं। ये जुड़ा हुआ हिस्सा है, कपड़े का भी ऐसा ही होता है। देखते हैं, हमारे पास ये 6 कली बनकर रेडी हो गई है। तो इसे अब सिलना कैसे है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, एक साइड सीधा वाला हिस्सा है और एक साइड तिरछा वाला। अब हमें ये तिरछे वाले हिस्से को मिलाना है और इसे सिल देना है कुछ इस तरीके से। कपड़े को भी हम इसी तरीके से रखकर एक दूसरे के ऊपर और सिलेंगे। तो ये देखिए, हमारा एक तय हो गया, यानी कि मतलब 6 कली है तो 3 कली रेडी हो चुकी है। और अब 3 कली और रेडी करेंगे बिल्कुल सेम तरीके से, तिरछे वाले को तिरछे के साथ सिलेंगे। ये देखिए, और ये हमारा 3-3 6 कली बिल्कुल रेडी है। तो इसी तरीके से हम कपड़े के साथ भी इसी तरीके से कट करेंगे। ये देखिए, और अब इस तीनों को सिलने के बाद से आप चाहे तो इस पे मार्किंग कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने AB मैंने तिरछे में कर दिया, ये CD और ये CB। अब आप चाहे तो ये देखिए, ये ए वाले ए के साथ बी वाले को बी के साथ हम इस तरीके से अटैच करके सिल देंगे, ताकि हमारा जो सीधा वाला हिस्सा है वो कहीं टेढ़े वाले के साथ ना ही अटैच हो जाए। इसलिए हम इन दोनों को यहाँ पे मार्किंग करके लिख लेंगे। तो अब इस तरीके से सिलने के बाद हमें इन तीनों को एक दूसरे के ऊपर रख के फिर ज्वाइंट कर लेना है, किनारे को ज्वाइंट करना है। तो अब मैं आपको इस कटिंग को कपड़े के ऊपर बता देती हूँ कि उसे कटिंग कैसे करना है। ये देखिए, ये कमर का जो बेल्ट हमने लिया था वो है, ये अगर छोटा पड़ जाता है तो हमने एक्स्ट्रा लिया हुआ है, उसमें से हम इसे ज्वाइंट कर लेंगे और कमर का हिस्सा बना लेंगे। तो ये अब मैं आपको कपड़े पर इसकी कटिंग बता देती हूँ कि उसे कैसे कट करना है। बहुत ईजी है, बहुत आसानी। तो ये देखिए, मैंने कपड़ा ले लिया है और ये कपड़े को मैंने बिछा लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया हुआ है। और ये बंद वाली साइड को हम अपनी तरफ रखेंगे और खुली वाली साइड को आगे की तरफ रखेंगे, अच्छे से बिछा लेंगे। और अब हम यहाँ पे कमर की नाप ले लेंगे, यानी कि बेल्ट के लिए हम कटिंग करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पेपर पे बताया था, मैंने यहाँ पे 3 इंच लिया हुआ है और यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं हम, और इसे हम मोड़ लेते हैं। ये देखिए, अब मैंने मार्किंग कर लिया और अब हम इसे बिल्कुल बराबर में मोड़ लेंगे, या फिर आप चाहें तो इसे मार्क कर लेते हैं।
इसकी चौड़ाई ध्यान से रहे कि 17 ही रहे, तो ये देखिए 17 पे ही है। और ये देखिए हमें अभी इसे मार्किंग कर लिया है और अब हम इसी की कटिंग कर लेंगे। तो इसे मोड़ लेते हैं और कैंची की मदद से बिल्कुल बराबर हमें इसकी कटिंग करनी है। तो ये देखिए कटिंग हो गई है और अब हम इसके साइड में रख देते हैं अलग से, बाद में हम बाकी कपड़े, हमने नेफा की कटिंग कर ली है, अब हम यहाँ पे डोरी की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे किनारे का एक साइड ले लेंगे और वहाँ पे हम इसे 1.5 इंच की माप लेंगे। यहाँ पे हमने 1.5 इंच का निशान लगा देंगे और वहाँ पे हम इसे कटिंग कर लेंगे। देखिए मैंने थोड़ा सा कटिंग किया है और उसे हम इसे कुछ इस तरीके से कर लेंगे। बिल्कुल इक्वली कटेगा। अगर आपका प्लाउ पेटीकोट का पीस अगर कॉटन का है तो इस तरीके से आप काट सकते हैं, इजीली वो निकल जाता है हाथों से। लेकिन अगर फैब्रिक अलग है तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें, आप कैंची की मदद से ही उसे काट कर निकालें। तो अब हम इसे बिल्कुल 4-4 में उसी तरीके से फिर से बिछा लेते हैं ताकि हम पेटीकोट की कटिंग कर सकें। तो हम फोल्ड करने कपड़े को 4-4 कर लिया है, आप देख सकते हैं। फोल्डिंग वाला एरिया, जो फोल्डिंग वाला हिस्सा है वो अपनी तरफ रखना है और खुले वाले पार्ट को आप आगे की तरफ रख दीजिए। जिधर से हमें कटिंग करना है वो फोल्डेड एरिया होनी चाहिए। तो ये देखिए मैंने इसकी लंबाई माप ली है, ये 34 पे आ रही है। ये देखिए क्योंकि मुझे प्लस साइज के लोगों के लिए सिलना है इसे, तो ये मैं यहाँ पे 34 पे माप कर रही हूँ। और ये देखिए, और अब हम यहाँ पे कटिंग करेंगे। यहाँ पे हम यहाँ पे 3.5 ले लेंगे। ये देखिए ये बिल्कुल भी स्थिर नहीं है, ये थोड़ा सा घटता बढ़ता रहता है कमर के अनुसार। जैसे जैसे कमर होगा जैसे बढ़ता जाएगा, ये आधी आधी इंच बढ़ती जाएगी, लेकिन 4.5 हाफ से आगे ये नहीं बढ़ेगा। यदि मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने 3.5 पे मार्क किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 3.5 पे मार्क कर लिया है। और अब हम इसे जस्ट इसके नीचे, मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल वहाँ हमें यहाँ पे 7 पे मार्किंग करनी है। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमें बाहर के साइड से 7 पे निशान लगाना है। मैंने यहाँ पे 7.5 पे निशान लगा दिया है और यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया है। ये बिल्कुल स्थिर है, ये कमर के अनुसार बिल्कुल नहीं बदलेगा। अब हम इन दोनों को मिला देते हैं। आप इन दोनों पॉइंट्स को मैंने मिला दिया है बिल्कुल इस तरीके से। ये देखिए ये तिरछे कुछ आया है और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इसे काट लेते हैं, देख सकते हैं मैं इसे काट के रख लिया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल सीधे ही हमने कट कर लिया है जहाँ पर मैंने मार्किंग की थी। और यहाँ पे ये जुड़ा हुआ हिस्सा है उसे भी मैं काट के अलग कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने बंद वाली साइड से सिलाई करनी शुरू करी थी। तो ये किनारे पे जो जुड़ा हुआ पार्ट है उसे हम काट कर अलग कर लेंगे। तो उसे हम काट लेंगे और ये हमारी 6 कली बिल्कुल मतलब कट के रेडी हो गई है। और अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो वो तरीका मैंने आपको पेपर पे बताया है, वो मैं आपको कपड़े भी बताती हूँ। ये बड़ा वाला हिस्सा है जो बीच में रहेगा, जैसा कि मैंने आपको पेपर पे बताया था। देखिए मैंने यहाँ पे बड़े वाले जो बीच में जो हिस्सा रहेगा उसे मैंने एक बीच में रख लिया है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि सिलना कैसे है। तो जो मैंने जैसा कि आपको बताया कि तिरछे वाले हिस्से को तिरछे के साथ मिलाएंगे, तो ये देखिए ये सीधा वाला हिस्सा है और ये तिरछा वाला, हमें कुछ इस तरीके से रख के इसको सिलना है। तो ये देखिए, और दूसरी साइड भी हमें तिरछे वाले हिस्से को, ये सीधा वाला साइड है, तिरछा वाला, तिरछे वाले साइड को इस तरीके से रख के बराबर रख। तो ये देखिए मैंने दोनों तिरछे वाले हिस्से को पकड़ लिया है और मशीन के आगे हम इसे सिल लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पकड़ के हमें बिल्कुल किनारे पे सिलना है। ये देखिए एक सीध में हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। देखिए बिल्कुल बराबर हमें रख के इसकी सिलाई करनी है ताकि ये नीचे से भी बराबर आए। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल बराबर सिलाई कि मैंने ये सिलाई लगा ली है, आप देख सकते हैं ये उल्टी वाली साइड है। और ये देखिए तिरछे में तिरछा मैंने जोड़ लिया है। और दूसरे पार्ट में भी सेम हम करेंगे, तिरछे से तिरछा जोड़ेंगे। तो अब तिरछा वाला एक पार्ट ले लेंगे और हम इसे इसके साथ जोड़ देंगे बिल्कुल इसी तरीके से। वो देखिए पतली वाली साइड ऊपर रहेगी जैसे कि कमर होती है, और नीचे घेरे वाली साइड नीचे रहेगी। और अब हम इसकी सिलाई कर लेते हैं। ये पहली परत रेडी है जैसा कि आप देख सकते हैं, और इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी बना लेते हैं। ये देखिए मैंने दोनों साइड बना लिया है और अब हम दोनों साइड को कुछ इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रख कर एक साइड सिल लेंगे। देखिए पूरा हम इसे सिल देंगे।
तो हमसे लेते हैं पहले पूरा साइड। तो ये देखिए मैंने ये पेटीकोट का बना लिया है, सारे साइड जुड़ चुके हैं, बस एक साइड ये खुला रखा है। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, ये देखिए सबसे ऊपर की साइड यानी कमर के साइड पे जो खुला वाला पोर्शन रहता है उसे हम बनाएंगे। तो वहाँ से मैंने हाथों की मदद से एक बित्ता नाप लेना है, या फिर अगर आपको नहीं समझ में है तो आप इंची टेप से लेकर 7 पे मार्किंग कर लेंगे, और वहाँ से आप वहाँ तक थोड़ा थोड़ा मोड़ कर हमें सिल लेना है, और दोनों खुली वाली परत में हमें मोड़ कर सिलना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से हम इसे मोड़ लेंगे और इस तरीके से सिल लेंगे। नीचे के साइड हम दोहरी सिलाई कर देंगे, कुछ इस तरीके से इसकी सिलाई करनी है। मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ, ये देखिए यहाँ तक सिलाई करने के बाद हम इसे दोहरी सिलाई यहाँ थोड़ी दूर तक करेंगे और इसे कट करके निकाल देंगे। सेम उसी तरीके से हमें दूसरी साइड पर सिलना है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। ये देखिए कितना क्लियर और फिनिश हुआ है। तो ये देखिए मैंने दोनों साइड को सिल लिया है, और अब हम इन दोनों साइड को बराबर कर लेंगे बिल्कुल इक्वली, और जहाँ तक सिला है उसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर से ये देखिए, और वहाँ से हमें बिल्कुल नीचे तक सिलाई लगा लेनी है, यानी कि पेटीकोट को पूरी तरीके से जॉइंट कर लेना है। ये पोर्शन खुला रहेगा ऊपर का, और ये पूरा हमें सिल लेना है। तो मैं आपको सिल के दिखाती हूँ, बस इसके बाद हमारा पेटीकोट बिल्कुल रेडी हो जाएगा बनकर, बस हमें इसके बाद कमर जोड़ना है। तो ये मैं सिल के दिखा देती हूँ आपको कैसे सिलना है इसे। यहाँ पे हमें दोहरी सिलाई करनी है और बिल्कुल बराबर ही पकड़ के, और हमें पूरी पेटीकोट की लंबाई जितनी भी लंबाई है वहाँ तक हमें इसकी सिलाई लगा लेनी है। देखिए मैंने ज्वाइंट कर लिया है, और अब हम इसकी कमर की जो बेल्ट बनाई थी वो हम इसमें अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये दो तरीके से लगाई जाती है, या तो पहले आप फोल्ड करके भी इसमें चिपका सकते हैं, लेकिन उसमें फिनिशिंग नहीं आएगी आपको। तो ये देखिए मैं इस तरीके से पहली वाली लेयर सिलूंगी। तो ये देखिए पहले थोड़ा सा मोड़ लेंगे, अगर आपका किनारे का एरिया नहीं है तो, ये देखिए किनारे का एरिया है यानी कि निकलने वाला नहीं है जिसमें से रेसे निकलते हैं, तो उसे हम मोड़ेंगे नहीं, इसी तरीके से इसके ऊपर रख लेंगे और पहले इसमें एक सिलाई लगा लेते हैं किनारे किनारे, उसके बाद हम इसे मोड़ के भी सिलेंगे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ इसे इस तरीके से सिलना है। तो ये देखिए मैंने अटैच कर रही हूँ, लेकिन आपको मैं बता देती हूँ यहाँ पे जो बीच बीच में जो पोर्शन है वहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा यहाँ पे फोल्ड करते जाएंगे, यानी कि चुनटे लगाएंगे। अगर आपका बेल्ट थोड़ा बड़ा है तो आप इसमें चुनटे लगाएं, अगर ये बिल्कुल साइज का है तो चुनटे लगाना नहीं जरूरी नहीं है। तो ये देखिए मैंने कमर पे बेल्ट अटैच कर लिया है, और अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे, ये देखिए, और इस तरीके से मोड़ कर हम इसे सिलेंगे। जो हमने एक सिलाई करी थी उसे कवर करते हुए ये बेल्ट को हमें कुछ इस तरीके से फोल्ड करेंगे ताकि इसमें फिनिशिंग आए और ये देखने में बहुत ही अच्छी लगे। तो ये हमें सिलाई को ढकते हुए इस पर एक बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई चला लेनी है, और अब हमने जो सिलाई चलाई थी जस्ट उसके पास उसके थोड़ा ऊपर हमें एक और सिलाई चला लेंगे ताकि ये मजबूत हो जाए। तो ये देखिए मैं यहाँ पे एक और सिलाई कर लेती हूँ बिल्कुल जस्ट उसके ऊपर, ध्यान रहे फिनिशिंग के साथ हमें करना है, बिल्कुल भी इधर उधर सिलाई नहीं करनी है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल दो सिलाई हमें इसके ऊपर करनी है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से इसकी फिनिशिंग आई है, ये देखिए बिल्कुल इक्वली हमने इसकी सिलाई कर ली है, आप देख सकते हैं, और ये हमारा कमर भी इसमें अटैच हो चुका है। तो अब हमने ये नीचे वाला पोर्शन लिया हुआ है जो हमारा घेरा है, ये थोड़ा सा छोटा बड़ा है, उसे हमें कट नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा हम इसे मोड़ कर दो बार मोड़ेंगे और उसके बाद हम इसकी सिलाई करेंगे। तो मैं आपको मोड़ के बताती हूँ इसे मोड़ना कैसे है। ये देखिए दो बार हमें इसे फोल्ड किया है, और उसे हम इस तरीके से दबा देंगे ताकि ये इसका शेप आ जाए, और सिलते समय ये बिल्कुल भी इधर उधर ना हो, ताकि जो नीचे का साइड है वो बिल्कुल राउंड शेप रहे और टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए, इसलिए हमें इस तरीके से इस पर बना लेना है। ये देखिए फोल्ड कर करके बाद में हम इसकी सिलाई करेंगे, तो हम इसे फोल्ड कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे फोल्ड कर लिया है, और इसी तरीके से हमें इसके ऊपर बिल्कुल किनारे किनारे जहाँ पे हमने फोल्ड किया है वहाँ पे हमें एक सिलाई लगा लेनी है। आप चाहे तो इसमें फ्रिल भी ऐड कर सकते हैं, जैसा कि पेटीकोट में होता है वैसा भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ हम सिलाई लगा, हमने जो 1.5 इंच की डोरी कट करके रखी थी उसे भी मैंने सिल ली है, और ये बिल्कुल रेडी हो गया है हमारा पेटीकोट, बिल्कुल रेडी हो गया। मैंने नीचे से भी सिलाई कर ली है,
और आप देख सकते हैं कि पेटीकोट बिल्कुल अच्छे तरीके से बिल्कुल घेरे वाला प्लस साइज़ के लिए रेडी हो गया है। बहुत ही अच्छे तरीके से ये बन के हमारा तैयार हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा। अगर यूज़फुल होगा तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलती हूँ अगली एक नई वीडियो के साथ, एक नए क्राफ्ट के साथ। बाय बाय, टेक केयर गाइस, थैंक फॉर वॉचिंग।